द्वारस इलाके के बानरहाट थाना अंतर्गत नॉकआउट रनिंग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 की शुरुआत की गई है। ऑर्गेनाइज किया गया है कांति सिन्हा मेमोरियल चैंपियन ट्रॉफी, सुकरा उरांव मेमोरियल रनिंग अप रनिंग ट्रॉफी। यह बता दें कि द्वारस इलाके के चाय बगानों में यह दूसरी बार मोराघाट में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में वीएस भटनागर मोराघाट चाय बगान के सीनियर मैनेजर उपस्थित थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं आनंद प्रधान एवं शांतु महली तथा सेक्रेटरी के रूप में मनोज ठाकुर, जीवन विश्वकर्मा और कैशियर मनोज अग्रवाल, राजीव झा मुख्य रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। यह बता दें कि आज क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी नृत्य सहित कई कल्चरल डांस का कार्यक्रम यहां देखा गया। यह बता दें कि क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर पूरे मोराघाट चाय बगान में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ यहां देखी गई। चाय बगान में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। यह बता दें कि इसी प्रकार से द्वारस के कई इलाकों में टूर्नामेंट को लेकर चाय बगानों में उत्साह देखा जाता है, लेकिन मोराघाट द्वारा यह पहली बार इस बार कोविड-19 के बाद खुले तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो लगभग एक महीने तक चलेगा। यह जनवरी तक चलेगा, दो जनवरी को इसका फाइनल मैच होगा। यह लगभग आपका 50 से अधिक मैच खेले जाएंगे, जहां फाइनल मैच खेलने वाले को एक बेहतरीन पुरस्कार दिया जाएगा विजेता और उप विजेता को। तो देखते रहिए NEI द्वारस न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहिए। नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन वीएस भटनागर मोराघाट चाय बगान के मैनेजर ने किया। इस दौरान काफ़ी उत्साह युवाओं में देखने को मिला। खेल के प्रति युवाओं में देखे जा रहे उत्साह काफ़ी सराहनीय है। खेल के प्रति कई लोगों ने कहा कि खेल पढ़ाई लिखाई के साथ युवाओं के लिए शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि चाय बगानों में आर्थिक रूप से तंगी के कारण खेल को उतना प्रोत्साहित नहीं मिलता, फिर भी चाय बगान के श्रमिक अपने मात्र 202 रुपये के दैनिक मजदूरी से कटौती कर इस प्रकार के खेल का आयोजन करते हैं, जो काफ़ी सराहनीय और प्रशंसा योग्य कदम है। सरकार को भी चाय बगानों में युवाओं को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए कुछ फंड मुहैया कराना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बैट्समैन को ही पता नहीं है कि बॉल कहाँ जा रहा है। आज देखा जा रहा है फाइनल टूर्नामेंट मैच 2022 2 जनवरी को खेला जाएगा। यह खेल काफी उत्साहजनक देखा जा रहा है। सागर जी, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आज खेल का प्रदर्शन किया। यहाँ पर आपने 56 रन बनाए हैं 25 बॉल में, काफ़ी बढ़िया रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग का 2 दिन से बहुत कोशिश रहा था पहले बैटिंग करने का, और टॉस हार के हम लोगों को बैटिंग दिया गया, यही चीज़ का हम लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया और आगे भी अच्छा होगा। और आज का जो अगेंस्ट टीम का जो था, थोड़ा सा बॉलर्स थोड़ा सा लूज महसूस हुआ, और जहाँ तक देखा गया फील्डिंग बहुत मिस्टेक किया। अगर फील्डिंग मिस्टेक का फायदा आप लोगों को मिला? यस जी। और उन्होंने भी मनीष तिरवा। अब मनीष तिरवा जी, आपने बहुत बढ़िया खेल खेला आज, कितने रन बनाए आप और कितने बॉल में? 24 बॉल में 54 रन बनाए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हैप्पी। आप लोग जीतेंगे?
आपको जीतेंगे सर, जीतने के लिए खेले। अभी आप लोगों का बॉलिंग था और बैटिंग टीम, अभी टीम ने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, 149 रन बनाए उन लोगों ने 12 ओवर में। ये चुनौती 150 का मिली है, आप अपने टीम के कैप्टन हैं, क्या इसको आप पार कर पाएंगे? कोशिश तो रहेगा, कोशिश करेंगे। आज आप लोगों के खेल में देखा गया कि फील्डिंग काफ़ी मिस्टेक हुआ, क्या कहना चाहेंगे, आगे इसको ठीक करेंगे? प्रैक्टिस कम था। तो ये 150 रन का चेस आप लोग कर लेंगे? अब खेल के बाद ही निर्णय होगा। आपका नाम? जी बैरू राम। कौन से टीम के आप कैप्टन हैं? INC। मनोज ठाकुर जी, देखा जा रहा है कि मोराघाट के चाय बागान के युवाओं में काफ़ी जोश है क्रिकेट को लेकर, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का अभी तो कोविड माने ख़त्म ही हुआ है, तो जैसे जैसे हमारे गांव में 100% जैसे वैक्सीन मोटा मोटी कंप्लीट होने लगा है, तो इसी सोच के हम लोग सोचे हैं कि 2 साल से खेल वाला बंद था, अगले साल भी हम लोग छोटा टूर्नामेंट किए थे, लेकिन हमारे बागान में आज खेला चालू हुआ है। जिस तरह हमारे बागान के एक टीम के 2 प्लेयर ने 250 मारे हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि आने वाला समय खेला का यहाँ पर बहुत ही बच्चा लोग का खेला खेलने का एक शौक़ है और उनमें कुछ अच्छा गुण भी मिल रहा है, इसीलिए आज हम लोग का फर्स्ट खेला है, इसके बाद में और सेकंड खेला भी होगा और अभी सेकंड टीम खेलेगा वो भी अच्छा खेलेगा जहाँ तक हम लोग का विश्वास है। तो चाय बागान में ऐसा बात नहीं है कि खेलने वाला नहीं है, लेकिन चाय बागान में वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जो हम लोग खेला को और आगे उससे उतनी नहीं सहायता नहीं मिलती है। अभी जो बच्चे लोग एंट्री फीस या जो भी ड्रेस अपने अपने कुछ माने पॉकेट खर्चा को बचा के इसमें इन्वेस्ट करके अपना खेला हम लोग ये कर रहे हैं, और बहुत कम खर्चा में ही टूर्नामेंट चल रहा है, और हम सभी से अपील करेंगे कि हर बगान में ऐसा टूर्नामेंट हो कि बच्चा लोग चलेगा। मनोज जी, देखा जाता है कि आप यहाँ एक व्यवसायी हैं और काफ़ी लोगों को, युवाओं को खेल के प्रति आप सहयोग करते रहते हैं आर्थिक रूप से, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के बच्चे सब है और है, जवान है, जो भी है, इन लोगों की खेलने की तो इच्छा है, लेकिन उस तरह से प्रबंध नहीं होता हो पाता है जो आदमी खेल पाए। इनके पास पैसा का प्रबंध नहीं है और नहीं है, ये है वो है करके, और गलत लाइन में ना जाए, इसलिए हम इस खेला को चलाने का प्रबंध कर रहे हैं। इसलिए हमेशा चाहते हैं कि सभी अच्छे खिलाड़ी बने, एक अच्छी जगह पे जाए। कितने टूर्नामेंट में कितना मैच खेला जाएगा? ये 53 मैच खेला जाएगा टोटल, ये 2 तारीख को फाइनल होगा, 2 जनवरी को फाइनल होगा इसका। अच्छा, पूरे एक महीने का? एक महीने का मैच है ये। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू। गुमशुदा मुखबिर युवक को घर पहुंचाने में करे सहायता। विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट है। 2 नवंबर को अपने घर से निकला था, जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। परिवार के सदस्यों ने बानाहाट थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह बता दें कि विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, शरीर से 5 फुट लंबाई, जन्मजात दिव्यांग है। वह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर इनके बारे में पता चलता है तो कृपया कर स्थानीय पुलिस थाने में इसकी सूचना दें एवं विजय लोहार की मां पुष्पा लोहार को इस फोन नंबर पर संपर्क करें, 707629-6672, 7076296672। इस फोन नंबर पर संपर्क करके संबंधित विषय में सूचना दें। गुमशुदा मुखबिर युवक विजय लोहार जलपाईगुड़ी जिला के बानाहाट थाना अंतर्गत कटहलगुड़ी चाय बागान के डिवीजन लाइन का रहने वाला है। पिता का नाम विकास मुंडा, माता का नाम पुष्पा लोहार है। दोनों चाय बागान में श्रमिक के पद पर काम कर रहे हैं। दोनों माता पिता ने पिछले 20 दिनों से अपने मुख्य बगीर बच्चे को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अतः दर्शकों, आप सब कहीं भी अगर विजय लोहार को देखते हैं तो कृपया इनकी सहायता कर उस दिव्यांग युवक को अपने घर तक पहुँचाने में सहायता। मेरा नंबर हो 707-629-6672। बच्चा अलीपुर मुंबई स्कूल में। बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चा बोल नहीं सकता है, कान नहीं सुनता है। एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए बच्चे का। और क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा लड़का है, घर से खो गया है, कोई किसी को भी मिल जाने से, किसी कोई भी देख लेने से हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फ़ोन कर दीजिएगा, और सब हम लोग का बच्चा को देखेगा तो हमको बता देगा कि हाँ यहाँ पर है, बोल के फ़ोन कर देगा वो, तो अच्छा होगा। उन लोग को लिए धन्यवाद करेंगे।
वो लोग जो भी बोलेंगे हम लोग देख लेंगे उसको। आपका घर? कठरगुड़ी डिवीजन लाइन बानरहट थाना। बानरहट थी। और क्या रंग था उनका? वो 18 प्लस था सर, और वो सादा कलर का था। आप ही के रंग का? तो इसको लेकर आपने बानरहट थाने में FIR दर्ज किया? हाँ, के मिसिंग केस दिए थे हम लोग। पुलिस से क्या सूचना मिली है? कुछ सूचना तो अभी तक आया नहीं है हम लोग को। फिर भी हम लोग दो ही आदमी हैं, हम लोग बहुत सब तरह से हम लोग ढूंढ चुके हैं, उसको ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। हम लोग कितना दिन से ढूंढ ही रहे हैं कि अभी दो आदमी हैं, हम लोग कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, ढूंढ ही रहे हैं बच्चे को कि भगवान का दुआ से किसी तरह मिल जाए बच्चा। इसी कारण से हम लोग ढूंढ रहे हैं। बच्चा को गुम होने के बाद कितने दिनों बाद आपने FIR किया था थाने में? दूसरा दिन, 3 तारीख को। अच्छा, दूसरा दिन ही किया। लगभग आज 18 दिन हो गए। हाँ। बच्चा कौन कहाँ पे पढ़ता था, कौन क्लास में पढ़ता था? यहाँ से हो गया अलीपुर में मुंबई स्कूल है, अलीपुर से बगल में, वहाँ पे पढ़ता था। कितना? हाँ। उम्र था बच्चे? 18 प्लस। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 707-629-6672। चाचा जी, ये जो दिव्यांग बच्चा जो मुंह से बोल नहीं पाते थे, कान से सुन नहीं पाते थे, विजय लोहार, ये घर से जब निकल के जा रहा था तो आपने देखा था? हाँ, वहाँ पर बैठा था, देखा है, हम सीधे चला गया। अच्छा, क्या लेकर जा रहा था वो? हाथ में कुछ था? बैग था, काला पला ड्रेस था उसका, काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, टी शर्ट की शर्ट। हाँ, काला रंग में पहन रहे की वजह थी रहेगा, मगर फुल पेंट काले काले रंग के रहे।